हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेके आऊँ, इंटरनेशनल पेपर। देखिए, इंटरनेशनल पेपर एक पेपर इंडस्ट्री का स्टॉक है। अगर आपको देखें, इसका प्राइस देखा जाए तो 463 का प्राइस इसका चल रहा है अभी, और आज की डेट में इसमें ऑलमोस्ट 15 रुपीज़ का जंप देखा गया था। मतलब 3% 3 से 4% के बीच में इसमें जंप देखा गया। अगर 52 वीक लो देखा जाए तो इसका 273 का है, 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 600 रुपये का। ये स्टॉक जो है आपको अभी 450 के अराउंड मिल रहा है। तो आज इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट देखते हैं कैसा रहा। पिछले क्वार्टर में इसका बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला था, और इस क्वार्टर में देखते हैं कैसा रहा इंटरनेशनल पेपर का रिजल्ट। कंपनी का नाम है, स्टॉक का नाम इंटरनेशनल पेपर APPM लिमिटेड, पेपर इंडस्ट्री का ये टॉप का स्टॉक। अब देखिए, चलिए पहले जान लेते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। ऑलमोस्ट 1,843.45 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अर्निंग पर शेयर 26 रुपीज़ का है, और बुक वैल्यू देखा जाए तो 141 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू का जो रेशियो है 3.27 का, एंड पी रेशियो 17 का है। जहाँ पे इंडस्ट्री पी 13 का है, इसका पी रेशियो 17 का। तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रीमियम पे है अभी। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ का स्टॉक है। रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट कैसा रहा। रिजल्ट आज अभी 6 साढ़े 6 बजे के अराउंड आया है, और रिजल्ट कैसा रहा वो देखिए। सबसे पहले बात करूँगा नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट अगर पिछले क्वार्टर का कंपेयर किया जाए तो पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी 37 करोड़ के अराउंड आया है। तो यहाँ पे 6 करोड़ 7 करोड़ के अराउंड की कमी देखी गई है नेट प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। लेकिन आप अगर ईयर ऑन ईयर वाइज देखा जाए तो 6 करोड़ का प्रॉफिट देखिए ऑलमोस्ट 36 करोड़ पार हो गया। तो यहाँ पे इसका 6 गुना, मतलब कि 6 टाइम्स ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में। आप देखिए 6 करोड़ इसको अगर मानते हैं, देखिए 5.67 है, 76 है, इसको अगर 6 करोड़ मानते हो तो देखिए 37 करोड़। तो 6 गुना से भी ऊपर का यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर शो किया है इसने ईयर ऑन ईयर वाइज। अगर टोटल इनकम की बात करूँ मैं तो टोटल इनकम देखिए 339 करोड़ से इस क्वार्टर में जैसे कम हुए 335 करोड़ हुए, लेकिन लास्ट ईयर सितंबर का कंपैरिजन किया तो अच्छा खासा जंप देखने को मिला है टोटल इनकम में और टोटल प्रॉफिट में। चलिए एक नज़र डालते हैं स्टॉक ने क्या कोई डिविडेंड दिया है। स्टॉक इंटरनेशनल पेपर जो है, ये डिविडेंड का लास्ट 2011 में डिविडेंड दिया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी नहीं दिया इस स्टॉक ने। अगर आप ओवरऑल चार्ट की बात करते हैं तो देखिए किस तरीके का इसका चार्ट है। एक बार बहुत बढ़िया बेहतरीन जंप इसमें देखने को मिला था। टेक्निकली एनालाइज करते हैं स्टॉक को। आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में प्राइस ऑलवेज मूव्स इन चैनल। तो आप ये देखिए, इस स्टॉक को एनालाइज कीजिए और देखिए इसका जो किस चैनल में प्राइस मूव कर रहा है। देखिए आप अगर देखेंगे तो इस स्टॉक का चैनल देखिए, ये अपर लाइन है जहां मैक्सिमम तक ये 2 बार गया हुआ है। इस लेवल पे एक बार यहां पे गया था, अब ये इस लेवल पे इसने हायर एंड को टच किया। लेकिन अगर आप इसमें दो चीज़ें देखोगे, दो चीज़ें मतलब देखिए, आप अगर जो लोग इन लेवल्स पर बाइंग करते हैं, ये देखिए इन लेवल्स पर जो लोग बाइंग करते हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते हैं, और जो लोग इन लेवल्स पर बाइंग करते हैं उनको बहुत कम प्रॉफिट होता है, बहुत टाइम होल्ड करनी पड़ती है अपनी इन्वेस्टमेंट। देखिए ये एंट्री के लेवल से देखिए, प्राइस ऑलवेज मूव्स इन ट्रेंड। एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो मिनिमम पॉइंट को ज्वाइन करके, और उसी अच्छे स्टॉक्स अगर होंगे तो जब वो नीचे करेक्शन होता है उनमें तो उन्हीं लेवल्स पे आते हैं वो। तो बढ़िया स्टॉक आप एनालाइज कर लीजिए और इस तरीके से देखिए, और टाइम टू टाइम वो अपने एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक भी करते हैं। अगर आपने ये ट्रेंड की लाइन लगा दी कि भैया ये मैक्सिमम बार इस लेवल तक गया तो मैं इतना इतना प्रॉफिट टाइम टू टाइम बुक करूँगा, तो ये भी एक प्रॉफिट बुक करने का तरीका होता है। तो चलिए अगर मैं आपको दिखाऊं, ये स्टॉक अभी भी बहुत एक्सपेंसिव सा दिख रहा है आपको, और अगर इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखी जाएगी तो 21% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 19% की है। तो रिजल्ट देखिए कितना ज़बरदस्त रिजल्ट रहा। एक बार मैं फिर आपको रिजल्ट दिखा दूँ, देखिए 5 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट है जो 37 करोड़ में चला गया है। पिछले क्वार्टर में तो बहुत ज़बरदस्त जंप देखने को मिला था इसी वजह से, और इस क्वार्टर में थोड़ा सा क्वार्टरली कम है प्रॉफिट, लेकिन ईयरली वाइज बहुत बढ़िया बेहतरीन कहूंगा मैं इसको। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।